अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं काली खांसी के लिए नुस्खा। काली खांसी एक छूत का मर्ज़ है। काली खांसी एक बच्चे को होने पर साथ रहने और खेलने वाले बच्चों को भी हो जाती है। ये वबाई बीमारी है। इस मर्ज़ को इब्तिदा में पहले हल्का बुखार आता है, खांसी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है और फिर दिन रात को खांसी का दौरा पड़ता है, तांता सा बन जाता है। खांसी आधे से एक मिनट तक रहती है, दम घुटने लगता है, आंखें सुर्ख हो जाती हैं, कभी कभी खांसते खांसते भी हो जाती है। ये बच्चों के लिए बहुत तकलीफदेह और हौलनाक मर्ज़ है। ग़िज़ाओं और होम्योपैथिक दवाओं से इस मर्ज़ पर काबू पाया जा सकता है। मकई का भुट्टा जलाकर इसकी राख पीस लें, हंसपे जायका सूंद नमक मिलाकर चाटें, मर्ज़ में कमी वाकई होगी। अमरूद को गर्म राख में दबा दें, इसके बाद इसे खाएँ, काली खांसी में फ़ायदा होगा। नारियल, काली खांसी के मर्ज़ में नारियल का खास तेल एक वर्ष के बच्चे को 4-4 ग्राम दिन में 4 बार पिलाने से फ़ायदा होगा। फिटकड़ी, चने की दाल के बराबर फिटकड़ी पिसी हुई रोज़ाना 3 दिन तक गर्म पानी से इस्तेमाल करें, मर्ज़ में कमी वाकई होगी। लौंग को आग में भूनकर शहद के साथ इस्तेमाल करने से काली खांसी ठीक हो जाती है। गन्ना, 5 बादाम रात में पानी में भिगो दें, सुबह छील कर इसमें मिश्री और एक जो लहसुन मिलाकर पीस लें और मरीज़ को खिलाएं, रफ्ता काली खांसी रफा हो जाएगी। काली खांसी मूजी मर्ज़ है। ये देसी तरीकों और टोटकों से ख़त्म की जा सकती है।